जहां पर लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। पीपा पुल के सहारे लोग आज भी जब नदी पार कर रहे हों तो विकास के तमाम दावों और जनप्रतिनिधियों की गंभीरता को समझा जा सकता है। कई सालों से लोग पुल की मांग कर रहे हैं लेकिन आज तक पुल नहीं बन पाया है। लोगों ने किसी तरह से खुद ही पुल बनाया और उसी के सहारे नदी पार करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग पीपा पुल के ऊपर से ट्रैक्टर तक निकाल रहे हैं। कभी भी हादसा हो सकता है लेकिन अवसर है पुल बनाने के लिए गंभीर ही नहीं। जान जोखिम में डालना है। अब इधर से दूसरे क्षेत्र से हमारे यहाँ जिला लगता है, शायद मुरादाबाद जिला पड़ता है, उधर ये लोगों का आवागमन होता है। हम लोग बुलंदशहर से हैं, यदि हमें कहीं बाहर जाना है उधर मुरादाबाद साइड जाना होता है तो हमें बड़ा लंबा घूम जाना पड़ता है। यहाँ के जो लोग हैं काफी परेशानी होती है उन्हें यहाँ से गुजरने में। बिल्कुल नया और जो सस्टेनेबल वो है क्वालिटी है वही इस्तेमाल की जाती है। चूंकि हमारा स्टोर है, हो सकता है संभवतः आप स्टोर में देख के आए। पुल पर ऐसा इस तरह का कोई प्रकरण नहीं है, लकड़ियां बिल्कुल सही हालत में लगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, वायरस काल में जब हम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, जब यहां पर सिस्टम के सुराग भरे जा रहे हैं, तो इस तरह के सुराग भी बनने जरूरी हैं कि आजादी के इतने साल बाद भी पीपे के पुल के सहारे यातायात चल रहा, आवाजाही हो रही। हाँ जी, बता दें बुलंदशहर के आरम में जो पुल है वो पीपा का है। जो ग्रामीणों ने अपने पैसे से लकड़ी का गत्ते पत्ते लगा लगा कर उस पर काम कर रहे हैं और ट्रैक्टर निकाल रहे हैं, पूरी तरह जान जोखिम में डाल रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है लेकिन प्रशासन है कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दावा कर रहा है प्रशासन कि पुल सही है लेकिन पुल की हालत देखी जा रही है, पुल की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जी मनोज, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो तस्वीरें हम आपको बुलंदशहर की दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से पीपे के पुल के सहारे यातायात हो रहा है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कुशीनगर से अगली खबर है जहां